पहला मैं पेयर बिल्कुल जीरो कर लवा। लो जी बैटरी अपनी चार्ज होने लग पी आई वेख सकते। सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना सेवक सिंह ते तुसी वेख रहे हो सेवक सिंह यूट्यूब चैनल ते मिस्टर सेवक मकैनिकल फेसबुक पेज। अज की वीडियो में आप एक छोटा जिहा एक्सपैरिमेंट कर लगे हाँ कि जो ये वाला वेल्डिंग आदि आप 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज करना की ये चार्ज हो सकती है। पूरी वीडियो वेखन तो पहला मेरी एक तुहानू रिक्वेस्ट है कि ये तुसी खुद काम नहीं करना, क्योंकि बाई चांस बैटरी के कोले तुहाडा कोई स्पार्क बज गया तो बैटरी ब्लास्ट हो सकती है, बंब की तरह फट सकती है, तुहानू सट लग सकती है। क्योंकि ये वालियां जो वेल्डिंग मशीन होंदियां इहदे विचों डीसी करंट ही बाहर निकलता हुंदा प्लस ते माइनस, लेकिन इहदे विच वोल्टेज हुंदी है 100। जिहड़ी अपनी बैटरी हुंदी है हुंदी है जी 12 वोल्ट दी, ते फिर 100 वोल्ट दे नाल 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज करनी काफ़ी मुश्किल हुंदी है। बाकी इहदे विच अंपेयर बहुत ज़्यादा, जे आप बाई चांस इनू सीधी चार्ज करांगे तो नाल दी नाल ही पटाके पै जाणगे, जां तां तुहाडी वेल्डिंग मशीन खराब होगी जां फिर बैटरी का कोई ना कोई नुकसान होगा। इहदे वास्ते आपां नूं चाहिए जी एक जिहड़ा हीटर का स्प्रिंग हुंदा ना, 3000 वाट का स्प्रिंग लिया मैं, ये 16 इंच का मैं पीस लिया सी स्प्रिंग का 3000 वाट का, तो मैनू ये 2 टोटे कर ले 8-8 इंच के, ये आप रस्ते लगावे जिन्हें भी ये वोल्टेज तो अंपेयर और सारा लोड ये उपर आ जाएगा। ये तरीका की है कनैक्शन किमें किए जी, यदि प्लस वाली तार आ वो मैं सीधी बैटरी के प्लस के नाल लगा दिती है जोड़ा प्लस टर्मीनल हों, जी अपने को हैगी नैगेटिव वायर जिद आप अर्थ करके तो वेल्डिंग करते होंगे। मैं थोड़ा पहला वेल्डिंग चला के दिखा देव कोई शक ना रह जाए कि वेल्डिंग दे विच कुछ किया होया। अपने को राड़ आ 10 नंबर की, तो यह मैं उपर लगा रहा, ठीक है, बिल्कुल चालू हालत दे विच वेल्डिंग आ, कोई ये वोल्टेज नहीं घटाई कोई अंपेयर नहीं घटाई। इनू मैं लगा दिता प्लस से, ये जो अर्थ वाला सिरा मैं इत्थे लगा दिता, उस तो अगे स्प्रिंग आ जिन्ना भी लोड होगा उस स्प्रिंग ते आ जाएगा, अते जो स्प्रिंग का दूसरा सिरा इत्थे ये आपां सीधा वाया अंपेयर मीटर रास्ते विच लगाया होया 20 अंपेयर का, उहदे राही नैगेटिव के उपर लगा दिता। तो हुण मैं तुहाडे सामने इहनू चालू कर लगा, तुसीं वेखिओ पहला मैं अंपेयर बिल्कुल जीरो कर लवां। लो जी बैटरी अपनी चार्ज होने लग पी आख सकते, 11 अंपेयर के नाल बैटरी अपनी चार्ज हो रही है। इत्थे होर भी कोई भी दूजी चीज़ नहीं लगाई हुई, जो भी समान आ इत्थे आ पिया जी, यही अपना पूरा सर्किट आ। तो तुहाडे सामने हुण जिहड़ा ये वाला स्प्रिंग आ ना ये भी गर्म होगा, तुसीं वेखिओ काफ़ी गर्म होकर इहदे विचों धुआं निकलेगा। उस तो बाद एक मैं तुहानू होर गल दसा कि हुण अपने इत्थे अंपेयर बिल्कुल जीरो आ, इत्थे बिल्कुल जीरो अंपेयर ते है स्विच। इत्थे मैं तुहानू दिखावां कि जो इसकी स्विच आ वेल्डिंग की बिल्कुल जीरो ते आ, ते जीरो अंपेयर इत्थे शो हो रहे आ, ते जे मैं तुहानू बैटरी दे अंपेयर दिखावां ते उही 10-11 अंपेयर आ रहे उत्थे, सही है जी। हुण की होवेगा कि मान लो आपां इत्थों अंपेयर वधा दिते, इत्थों आपां अंपेयर वधा दे चको 200 कर दिता, हाँ ठीक है जी 180 हो गए ना, लेकिन इत्थे अंपेयर अपने उही रहने हैं, उही है ना सेम 10 अंपेयर ही, क्योंकि जिन्हें भी आप अंपेयर वधाई घटाई गए वो सारा लोड इत्थे आ जाएगा। तो आह देखो अंपेयर वधाउण दे नाल इत्थे अग लग चुकी है, ये काफ़ी गर्म होने लग पे स्प्रिंग, तो इसलिए आप इत्थों अंपेयर जीरो कर देवे क्योंकि सारा लोड स्प्रिंग के उत्ते पै रहा। यह वाला एक एक्सपैरिमेंट वीडियो सी, तुसी इहो जी कोशिश ना करो, क्योंकि जिवें मान लो ये अग बल चुकी आ, खैर मेरी बैटरी फिर भी इतों 1.5-2 फुट दूर आ, ते पर बैटरी के कोले कदे भी अग नहीं बलनी चाहिए, इसलिए आप इसनूं सेफ्टी के तौर पर बंद कर दिंदे आ ताकि अपना कोई इत्थे नुकसान ना होवे। ते तुसी इहो जी काम ना करो। वीडियो अपनी इन्नी सी जी, वेखण दे लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद।